ओ भाई साहब ये देखिए कितना ख़तरनाक व्यू है, ओ माई गॉड। अरे देखते ही दंग रह गए, इतना बेहतरीन लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ गाइस। धर्मशाला स्काईवे जो रोपवे का वो स्टेशन है ये, और ये टाटा इंटरप्राइजेस का प्रोडक्ट है। मुझे पसंद ही पसंद है, बिल्कुल दुपट्टे की तरह लग रहा है, इतना पतला है कपड़ा, दुपट्टे की तरह लग रहा है। मतलब क्या प्रोसीजर है इसका, मतलब क्या करना पड़ता है आपको? ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हमारे को। अच्छा, आधार कार्ड चाहिए। अच्छा, और क्या आपको स्कूटी मिल जाएगी? तो गाइस वहाँ पे वाटरफॉल है, ये ट्रैक करते हुए आधा किलोमीटर का ट्रैक है, और वहाँ से देखिए लोग उतर रहे हैं। मैं आपको और थोड़ा सा नज़दीक दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको नज़र आए। तो वो देखिए वहाँ से लोग उतर रहे हैं उस रास्ते से होते हुए, तो हम लोग को भी यहाँ से चलते 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 वहाँ पे जाना है टॉप पे, और वहाँ से वाटरफॉल, वो वाटरफॉल वहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज डे टू है और आज फर्स्ट विज़िट मैं कर रहा हूँ नामदेव मॉनेस्ट्री की, जो कि द ग्रेट दलाई लामा जी का पर्सनल रेसिडेंस भी है यहाँ पे, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। 1956 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने हजारों अनुयायियों के साथ में तिब्बत से आकर यहाँ बस गए थे। काफी पीसफुल, काफी शांत एरिया है, तो अंदर का वातावरण आपको काफी शांत देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा शांति का अनुभव कर पाएंगे। तिब्बत की राजधानी ल्हासा की तर्ज पर इस जगह को मिनी ल्हासा भी कहा जाता है। हार्डली जो मेन स्क्वायर है, मेन स्क्वायर से लेफ्ट आने पे हार्डली 20-25 मिनट की वॉकिंग पे ही ये मॉनेस्ट्री देखने को मिलती है। ये लोकल मार्केट जो है काफ़ी बड़ी है, तमाम तरह के यहाँ पे स्ट्रीट पे भी आपको वुलन क्लोथ्स वगैरह है, ट्रेडिशनल जो भी आइटम्स हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो और इधर आपके जो मॉन्क रहते हैं यहाँ पे, ये उनका हॉस्टल भी है, और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर हमें कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं। प्रवेश करते ही इस स्थान में आपको सामने एक बड़े से हॉल में भगवान बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा नजर आ जाएगी, जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होता है, बौद्ध अनुयायी जो है अंदर प्रार्थनाएं करते हैं, अंदर प्रवचन वगैरह भी होता है। और ये नामदेव मॉनेस्ट्री नहीं है, नाम ग्याल मॉनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मैंने गलत उच्चारण किया, उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। पीछे देख पा रहे हैं ये आपका स्काईवे बना हुआ है, यहाँ से आप मैक्लोडगंज टू धर्मशाला रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। बस का आवाजाही थोड़ी सी कम है, अगर देर शाम हो जाती तो बस अवेलेबल नहीं रहती है। अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर का लुफ्त लेना चाहते हैं तो आप यहां से रोपवे कर सकते हैं डुअल साइड के लिए, यानी कि यहां से धर्मशाला, धर्मशाला टू मैक्लोडगंज। आप देख पा रहे प्रेयर व्हील्स हैं, इसमें मंत्र उच्चारण सारे लिखे रहते हैं, इसको अगर आप रोल करते हैं तो इसका मतलब आप मंत्र को पढ़ रहे हैं, तो सभी यहाँ पे प्रेयर व्हील को मूव करते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरे ख्याल से बोथ साइड का ये 675 समथिंग का यहाँ पे रेंट लगता है, और ऐसा नहीं कि बोथ साइड मतलब आपको सेम डे ही वापस आना है, आप 3 दिन के अंदर कभी भी आ जा सकते हैं। गाइस ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये शायद दलाई लामा जी का पर्सनल रेसिडेंस है, यहीं पे वो रहते हैं, और काफ़ी शांत, बहुत ही अच्छा लगा। सभी जो है मॉन्क यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे थे, और आप यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सुकून भरा ये प्लेस लगा। तो एक बार विज़िट तो ज़रूर बनती है, जब भी आप मैक्लोडगंज जाए तो एक बार यहाँ पे
ज़रूर विज़िट कीजिए। तो गैस मॉनेस्ट्री से निकल चुका हूँ, अब प्लान है भागसूनाग टेम्पल, भागसूनाग वाटरफॉल देखने का। तो यहाँ से पैदल ही पैदल चलना है और देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत मार्केट भी बना हुआ है यहाँ पे। धर्मशाला स्काईवे जो रोपवे का वो स्टेशन है ये, और ये टाटा इंटरप्राइजेस का प्रोडक्ट है। यहाँ पे गैस मंथली पासेस अवेलेबल है, प्राइस है 3000 पर मंथ ओनली, 30 डेज़ के लिए पास है। मैक्सिमम 2 वन-वे ट्रिप पर डे, 2 बार ट्रिप कर सकते हैं। लोअर टर्मिनल टिकट काउंटर, इस तरह की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है मंथली टिकट के लिए। बाकी 450 रुपये एक तरफ का है और 653 रुपये बता रहे हैं दो तरफ का, ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं तमाम वुलन क्लोथ्स की शॉप्स हैं, पश्मीना वगैरह शॉल भी यहाँ पे डिस्प्ले में रखी गई है। पश्मीना है, बिल्कुल दुपट्टे की तरह लग रहा है, इतना पतला है कपड़ा, दुपट्टे की तरह लग रहा है। और हम लोग के उधर तो पश्मीना पता नहीं कैसे कैसे लोग बेच के चले जाते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे वैरायटीज दी है। और एक ये मॉनेस्ट्री है, जैसा कि मैंने रात में दिखाया था आपको, छोटी सी मॉनेस्ट्री है, पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मेन स्क्वायर पहुंच रहे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, इस वीडियो को बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी और मुझे लगता है कि आप ठीक से लुफ्त नहीं ले पाएंगे इसको, इसलिए 2 पार्ट में कर दे रहा हूँ। भागसूनाग वाटरफॉल और भागसूनाग टेम्पल का ब्लॉग 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मैक्लोडगंज का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और गाइडेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, कंप्लीट गाइडेंस मैंने देने की कोशिश की है। और अगर आप दिल्ली का लेटेस्ट व्लॉग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो जल्दी से मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।